नमस्कार, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के इस वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस सीरीज़ में हम चर्चा कर रहे हैं व्हाई वी नीड मशीन्स, हमें मशीनों की क्या ज़रूरत है, किस प्रकार मशीन्स हमारे जीवन में एक सहभागिता दे रही हैं, किस तरह वो हमारे जीवन में विभिन्न कार्यों को आसान कर रही हैं। इसी सीरीज़ में आज हम सबसे पहले जिस मशीन के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ी मैं भूमिका आपको बता देता हूँ। क्या है वो मशीन? आपने अपने गली मोहल्लों में घर बनते हुए तो ज़रूर देखा होगा, आस पड़ोस में कोई घर बनते हुए। क्या अमूमन आप देखते हैं कि कुछ मजदूर लगे हैं जो सीमेंट, बालू, पानी का एक मिक्सचर बना के उसे ईंटों के ऊपर लगा रहे हैं? तो ये तो आपने देखा होगा जब एक छोटी एक दो तल की मकान बन रही है तब। मान लीजिए कि अगर कोई 20 मंजिली इमारत बनानी हो, या आप जिन शॉपिंग मॉल्स में आप जाते हैं, बड़े अपार्टमेंट्स में आप जाते हैं, उनको बनाने में तो अगर मजदूर और इस तरह का काम किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हम लोगों ने बनाया एक सीमेंट मिक्सचर, और इस सीमेंट मिक्सचर की कार्यविधि को आज हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए फिर हमने चुना है ये श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र की या मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस, जिसमें यह एक प्रदर्श लगा हुआ है। आप इसे देख पा रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये मैं सीमेंट मिक्सचर की बात कर रहा हूँ। इस तरह की ट्रक्स आपने देखी होंगी रोड पर आते जाते हुए कई बार, और आपको लगता हो, आपको ध्यान भी होगा, आपने अपने शिक्षक से या अपने माता पिता से ये ज़रूर पूछा होगा कि ये क्या है। तो उन्होंने बताया हुआ ये सीमेंट स्लरी बनाने की एक मशीन है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इस ट्रक के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, इसका एक इंजन, इसकी चैचिस और ये सीमेंट मिक्सचर। ये पार्ट सीमेंट मिक्सचर होता है। अब इस मिक्सचर को घुमाने के लिए इसके इंजन से पावर दी जाती है, ठीक है। लेकिन अब बात यह होती है कि हमें इस सीमेंट मिक्सचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। क्यों पड़ने का कारण है कि इससे हमारी लागत मूल्य कम हो जाती है, हमारे समय की बचत होती है। दूसरी बात कि इससे सीमेंट की क्वालिटी, जो स्लरी की जो क्वालिटी है, वो मेंटेन रहती है। दूसरी बात, काम जल्दी हो जाता है, इससे ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें सीमेंट मिलती। एक चीज़ और गौर करने वाली है कि जब आप इन ट्रकों को देखते होंगे रोड पे चलते हुए, तो देखते होंगे कि इनका ये ड्रम जो है वो धीरे धीरे एक दिशा में घूमता होगा। आपको लगता होगा कि ये चल रही है, उसके कारण ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूम रहा होगा। ऐसी बात नहीं है, इसे की खास वजह से घुमाया जाता है। इसके अंदर इस तरह की एक सर्पीली आकृति बनाई जाती है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में आर्किमिडी स्क्रू कहते हैं। इस स्क्रू की क्या खासियत है कि जब यह एक दिशा में घूमती है तो इसके अंदर जो भी मिक्सचर है उसको वो नीचे की तरफ धकेलती है। तो जब फैक्ट्री से यह ट्रक साइट की ओर निकलती है सीमेंट स्लरी लेके, तो ये एक दिशा में घूमते रहती है। घूमने से क्या होता है कि इसके अंदर की जो स्लरी है वो इसके अंदर की तरफ ही रहती है, बाहर नहीं गिरती है, रोड पर बाहर नहीं गिरती। और जैसे यह साइट पर पहुंचती है तो इसको उल्टी दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि इसके अंदर का सामान बाहर आ जाता है। तो इसके घूमने का और इस सर्पीली आकृति की वजह आप समझ गए। दूसरा, अब इसमें बात यह आती है कि व्हाट इज़ आर्किमिडी स्क्रू। आर्किमिडी स्क्रू क्या होता है? जनरली जो आप स्क्रू आपने देखा है, मैंने आपको दिखाया था स्क्रू, उस स्क्रू को अगर हम किसी गोल चीज़ के ऊपर कस कर बांध दें, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि एक गोल ड्रम के ऊपर एक स्क्रू के की तरह इसको बांध दिया प्रोफाइल को, और इसका निचला भाग तरल पदार्थ में रख दिया और ऊपर से हमने घुमाया, तो धीरे धीरे ये तरल पदार्थ ऊपर की तरफ आ जाता है। इस आर्किमिडी स्क्रू का इस्तेमाल हम लोग सीमेंट मिक्सचर में तो करते ही हैं, साथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी करते हैं। पुराने ज़माने में इसकी सिंचाई
व्यवस्था में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था इस तरह के चीज़ों का। तो सीमेंट मिक्सचर एक बहुत महत्वपूर्ण मशीन के बारे में आपने जाना, जो आधारभूत संरचना में योगदान देती है। इसी तरह एक और महत्वपूर्ण मशीन की बात अभी हम इस सीरीज में करेंगे, जो हमारे कृषि उद्योग में, कृषि इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। अब देखिए क्या है वो मशीन, उसके बारे में जानने के लिए थोड़ी सी इतिहास में चलते हैं। मनुष्य ने जब कृषि करना सीखा तो वो अपने इन दोनों हाथों से ही कृषि कार्य किए, जैसे खेत को कोड़ना, बीज रोपण करना, सिंचाई व्यवस्था करना, सब कुछ अपने हाथों से किया। धीरे धीरे कुछ औजार विकसित हुए, जैसे कुदाल, हल, फिर इन हलों को पहले घोड़े फिर बैलों की मदद से जोता गया। हम भी अभी ग्रामीण इलाकों में अभी भी देखते हैं कुछ जगहों पे कि बैल की मदद से खेती की जाती है। फिर औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद कृषि में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल बढ़ गया। फिर भी हमें यह लगा कि जब फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद से जो अवशेष वहाँ पर बचे उनका निष्पादन, फसलों की जो छटाई है, सफाई है, उन सबों में बहुत ज़्यादा लागत लगती है। लागत इन द सेंस पैसे के संबंध में और मनुष्य के संबंध, मजदूरी के भी, इसमें समय भी ज़्यादा लगता है, मूल्य भी ज़्यादा लगता है और काम भी ठीक से नहीं होता है। तो इस सीरीज़ में हम बात करेंगे एक वैसी मशीन की जो इन सब चीज़ों को आसान कर देती है। यह मशीन है कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन हार्वेस्टर का एक मॉडल हम इस मोबाइल साइंस एग्जीबिशन बस में देख रहे हैं। इसकी क्या खासियत है, जब फसलों की कटाई हो जाती है तो उसकी छटाई, सफाई वगैरह सारे कार्य इससे बड़े आसानी से कर दिए जाते हैं। दूसरी फ़ायदा यह होता है कि जो फसल अवशेष रह गए खेतों में, उनको इसकी इस कटर की मदद से काटा जाता है छोटे छोटे पीसेज में, और ये जो आप पाइप देख रहे हैं इसके ऊपर, इसकी मदद से एक बड़े ड्रम में इसे जमा कर दिया जाता है। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि ये इसके ऊपर से काटते जा रहा है और यहाँ से ये एक दूसरे ड्रम में जमा होते जा रहा है। क्या होता है, इससे क्या हुआ कि आपको जो फसल अवशेष हैं उससे चारा मिल गया, पशु चारे का काम आ गया, प्लस आपके खेतों की सफाई भी हो गई। तो ये मशीनरी जो है बड़े खेतों में इस्तेमाल होती है, और इसके लिए हमें जो भारत में जो कुछ प्रमुख कृषि प्रधान राज्य हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहाँ इन मशीनरियों का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आइए यहाँ पर इस मॉडल को ज़रा चला के देखते हैं। चलाने के लिए भी इस विज्ञान केंद्र में एक मैकेनिज्म लगाया गया है, हालांकि ये चलती तो अपनी इंजन के पावर से है, लेकिन यहाँ पर इस मॉडल को चलाने के लिए हमने यूज इस्तेमाल किया है स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जो आपने हमारे इस वीडियो के पिछली सीरीज़ में देखा होगा कि ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म क्या है। यह किसी भी घूर्णन गति को रेखीय गति में बदल देती है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ ध्यान दीजिए कि जब ये आगे चलती है तो इसका पीछे कटर घूमता है, और जब ये कटर घूमता है तो ये इन फसल अवशेषों को काटते हुए इस पाइप के माध्यम से छोटे छोटे चारे के रूप में फेंकता जाता है। ये जो मशीनरी है, इसको कौन से फसलों में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, तो वो होता है गेहूँ, उसके बाद मक्का, बाजरा, ओट्स, रागी, सोयाबीन, इनके खेतों में इस मशीनरी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में एक बड़ी मशीनरी किस तरह काम की उपयोग में आती है, और उसी तरह हमारे कृषि में एक कंबाइन हार्वेस्टर किस तरह योगदान दे रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इन दोनों मशीनरियों के बारे में कुछ रोचक जानकारी आपको मिली होगी। इसी तरह की कुछ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अपने आगे के कुछ वीडियो सीरीज़ में ऐसी ही कुछ बातें करेंगे। इस तरह आज के इस सीरीज़ में आप लोगों ने देखा
कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में किस तरह मशीनरियों का उपयोग किया जा रहा है और किस प्रकार से वो मानव के प्रयासों में सुगमता ला रहे हैं, उसके जीवन को सफल बना रहे हैं, आरामदायक बना रहे हैं। तो हमारे इस वीडियो सीरीज़ व्हाई वी नीड मशीन्स में हमने ऐसी ही कुछ बातें आपके साथ साझा की और आगे के सीरीज़ में भी हम ऐसी ही कुछ बातें आपके साथ मिलकर साझा करने की कोशिश करेंगे। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।